बच्चों एक प्रॉब्लम देखते हैं, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से क्या कह रहा है। अ कोनिकल टेंट इज अ 10 मीटर हाई एंड अ रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 24 मीटर, फाइंड स्लैंट हाइट एंड द कॉस्ट ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट इफ द कॉस्ट 1 मीटर स्क्वायर 70 रुपीज। तो एक कोन बनाते हैं, ठीक है, उसका रेडियस क्या है 24, हाइट क्या है आपकी 10, ठीक है, स्लैंट हाइट निकालनी है हमें। स्लैंट हाइट क्या फॉर्मूला होता है भाई, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, एल क्या होता है अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। तो एच की वैल्यू कितनी है 10, 10 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर, ठीक है, 10 स्क्वायर कितना होता है 100, ये 576, ठीक है, कितना आ गया 676 का रूट 676 क्या होता है 26, ठीक है। तो एल की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 26। तो सबसे पहले एरिया फाइंड करते हैं, एरिया फॉर्मूला क्या होता है कर्व सरफेस एरिया कौन का, पाई आर एल, ठीक है, 22/7 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू कितनी है 24 मल्टीप्लाई एल कितना है 26। इसको मल्टीप्लाई करोगे आप तो आपकी वैल्यू आएगी 13728 डिवाइड बाय 7, आफ्टर डिवीजन वैल्यू आएगी 1961.142, ठीक है, ये कितना आ गया आपका मीटर स्क्वायर एरिया आ गया। अब क्या कह रहा है भाई, लास्ट क्वेश्चन, 70 रुपीज लग रहा है एक मीटर स्क्वायर का, ठीक है, तो टोटल कॉस्ट क्या आ जाएगा जी आपका 1961.142 मल्टीप्लाई 70, आफ्टर मल्टीप्लीकेशन आपकी वैल्यू आएगी 137280, ठीक है, रुपीज, ये फाइनल हो गया आपका।